Dear viewers, welcome back to channel Alps English Academy, Pooja Salandariyaganj. How are you? I hope all of you are quite well. As you know, our chapter, subject and predicate is going on. In last two clips, I have explained you about the subject and predicate. In last clip especially, I explained about the subject and how many kinds of subjects are in English. Today, I have to explain about predicate and what are the shapes of predicates. Yes, predicate क्या होता है और predicate कितनी तरह के होते हैं ये हमें explain करना है. हमारी कोशिश यही है कि every chapter बहुत easy कर easy language में आपको समझा सकें, आपको दे सकें, ताकि जो beginners हैं या जो already जानते हैं उनको भी अच्छी तरीके से और ये clear हो जाए कि जो chapters हम आपको बता रहे हैं. तो आज का हमारा chapter है, yes, predicate. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लिखा हुआ है, ये हमारी मेन हेडिंग है. ये हमें आज आपको प्रेडिकेट के बारे में बताना है, थोड़ा और इसको इजी करके और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है. जी, मैंने आपको बताया था प्रेडिकेट क्या होता है. देखिए, सब्जेक्ट सब जानते हैं, काम का करने वाला, और जो भी आगे जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं अक्सर ये प्रेडिकेट जो हमारा है वर्ड से स्टार्ट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट के काम के बारे में कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है और उस काम को खुलासा करके बताए, उसे हम प्रेडिकेट बोलते हैं. डेफिनेशन हिंदी में लिखी है समझाने के लिए. देखिए, प्रेडिकेट ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है, एक सेंटेंस का एक पार्ट, एक हिस्सा है जो ये बताता है. ये लिखा हुआ पार्ट देखिए, जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है. ठीक है, इसमें वर्ब होता है, इसमें वर्ब होता है. अक्सर प्रेडिकेट वर्ब से ही स्टार्ट होता है, वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है उससे प्रेडिकेट. हम कह सकते हैं कि ये वर्ब से शुरू होता है. बकायदा में जो मैं बोल रहा हूँ वो मैंने इजी करके बोर्ड पर लिखा है ताकि हर स्टूडेंट को और हर व्यूअर को समझ में आ जाए, जो छोटे बच्चे हैं उनके भी समझ में आ जाए अच्छे तरीके से. जी, या देखिए और आगे और इजी करा, या जो बात सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कहीं या बताई जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जाती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल दिया आगे देखिए, मारिया केम, सिर्फ दो वर्ड. कभी कभार ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बस एक एक वर्ड होते हैं, ऐसा भी होता है. देखिए, मारिया केम, तो यहाँ पर काम तो मारिया कर रही है, सब जानते हैं ये सब्जेक्ट है काम करने वाला. अब ये देखिए, ये जो केम है बस इतना सा वर्ड लिखा हुआ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है. तो मारिया केम, तो ये केम जो है ना ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा बस. तो एक वर्ड भी जो होता हमारा वो प्रेडिकेट हो जाता है. अब ये कौन सा प्रेडिकेट है ये आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि तीन प्रेडिकेट्स होते हैं अभी आपको बताएंगे. अब देखिए, द कारपेंटर इज मेकिंग फर्नीचर फॉर ड्राइंग रूम, यानी कि कारपेंटर काम करने वाला, और ये काम ही हो रहा है सारा, क्या हो रहा है, फर्नीचर बना रहा है ड्राइंग रूम के लिए. तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा. ही विल मेक अ स्पीच एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस टू द विनर्स, यानी कि वो स्पीच भी स्पीच देगा और इनाम बांटेगा विनर्स को. तो यहाँ पे काम ही कर रहा है, लेकिन ये बाकी सारा का सारा प्रेडिकेट है आपका. ये सारा जो है देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है. अब इसमें जो है ये कौन कौन सा प्रेडिकेट है आगे क्लियर करते हैं. हम आपको तीनों सेंटेंस लिखे मैंने. देखिए, क्वेश्चन बनाया, प्रेडिकेट्स कितनी तरह के होते हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट, कि प्रेडिकेट की किस्में क्या है, व्हाट आर द टाइप्स भी कह सकते हैं आप, कि प्रेडिकेट के शेप कितने, फेस कितने हैं, चेहरे कितने हैं. तो आंसर लिखा है, आंसर, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रेडिकेट्स. प्रेडिकेट्स तीन तरह के होते हैं, प्रेडिकेट्स तीन तरह के होते हैं. हिंदी में भी लिख दिया ताकि समझ में आ जाए, कि हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारा मेन मकसद है वो आपको सिखाना है, समझाना है. पढ़ाना मकसद नहीं है, कि पढ़ने तो पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, सीखना है. सीखने की नीयत से ही आप इसको देखिए अच्छे तरीके से. ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को यस सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियोज आपको जी मिलती रहे. ठीक है, अब देखिए, नंबर एक सिंपल प्रेडिकेट, और नंबर टू कंपाउंड प्रेडिकेट, और नंबर थ्री कंप्लीट प्रेडिकेट. इससे पहले मैंने लास्ट क्लिप में सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कंप्लीट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वो लास्ट क्लिप में सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अगर आप देखना चाहते हैं तो लास्ट क्लिप में आप देख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए, सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है.
इसके बारे में डिफाइन करा मैंने, एक सेंटेंस लिख दिया जिसमें सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें सिंपल प्रेडिकेट है क्या, कोई आपसे क्वेश्चन करे व्हाट इज सिंपल प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट तो मालूम है, अरे सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड प्रेडिकेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सारे डाउट सारे क्वेश्चन इजिली इसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे मैं इसके एग्जाम्पल भी लिखूंगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए, देखिए ये हमेशा एक वर्ब होता है, हमेशा एक वर्ब, ये प्रेडिकेट जो होगा वो वर्ब से ही स्टार्ट होगा, या फिर खाली वर्ब है सेंटेंस खत्म है से लिखा हुआ ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। और इसे हम कह सकते हैं यस सिंपल प्रेडिकेट, क्योंकि एक वर्ब है बस ये, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, तो क्या कहलाएगा ये प्रेडिकेट, कौन सा सिंपल प्रेडिकेट। तो ये हमेशा एक वर्ब होता है, हम ये कह सकते हैं, यानी कि आसान समझाने के लिए ये बनाया गया है, यानी कि आप कह सकते हैं एक परिभाषा एक डेफिनेशन बनाई गई है समझाने के लिए। हम कह सकते हैं कि कीवर्ड या मेन वर्ब जो होता है हमारा, कीवर्ड जो हमारा होता है, एक तरीके से प्रेडिकेट में बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, जो सिंपल प्रेडिकेट क्या करता है कि सब्जेक्ट क्या करता है, प्रेडिकेट पूरा प्रेडिकेट है ना, उसमें बताएगा सब्जेक्ट क्या करता है, क्या काम कर रहा है, करेगा या कर चुका है काम के बारे में। अगर वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज यानी कि जैसे दो तीन वर्ड एक साथ लिखे हुए आपके, तो एक से ज्यादा वर्ड यानी एक से ज्यादा वर्ड, जैसे कैसे सिंपल प्रेडिकेट एक साथ वर्ड कैसे होंगे देखिए, यानी साथ में हेल्पिंग वर्ब्स, साथ में हेल्पिंग वर्ब, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे अभी आगे एग्जाम्पल आएगा आपके, जैसे कि लिखा हुआ है राहुल हैज वॉच्ड, तो ये पूरा हैज वॉच्ड जो सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा। अभी डिफाइन करते हैं, देखिए इसमें एक पॉइंट आगे लिख दिया, मॉडिफायर वर्ड्स नहीं, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है तो उस काम को खूब ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें उसको मॉडिफाई करते हैं यानी कि और अच्छा करके बताते हैं उसको, और उसमें और भी वर्ड प्लस होते हैं, हम उन वर्ड्स को हम पूरा प्रेडिकेट तो बोलेंगे, लेकिन हम सिंपल प्रेडिकेट बताएंगे तो वो जो मॉडिफायर वर्ड्स हैं, तो वो मॉडिफायर वर्ड्स हम सिंपल प्रेडिकेट में नहीं जोड़ेंगे, सिंपल प्रेडिकेट में प्लस नहीं करेंगे वो जो मॉडिफायर वर्ड्स हैं, बस जो एक हमारा जो मेन वर्ब होगा वो सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा। अब एक से ज्यादा कैसे हो सकते हैं वो भी आप एग्जांपल में देख लीजिए, अभी लिखा हुआ मोहम्मद केम के, मोहम्मद आए या मोहम्मद आए थे, तो ये सब्जेक्ट है सबको मालूम है, अब ये हमारा कहलाएगा केम, क्या कहलाएगा ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा, एक वर्ब है बस हमारा सिंपल प्रेडिकेट, ठीक है, इसके आगे कोई मॉडिफायर वर्ड नहीं है, ठीक है ना, इससे पहले अभी कोई वर्ड और लगा हुआ भी है, वर्ब से स्टार्ट होता है मेन, तो देखिए दैट चाइल्ड क्राइज, अब यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि वे बच्चा, लेकिन क्या है प्रेडिकेट क्या है इसमें, ये क्राइज जो है हमारा, ये हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट, कौन सा सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट एक वर्ब होता है, ठीक है। और दो तीन वर्ड कैसे हो जाते हैं, देखिए राहुल हैज वॉच दिस मूवी, राहुल ने फिल्म देखी है, अब हमें पहचानना है एग्जाम में, जैसे छोटे बच्चों को थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में कुछ और आ जाते हैं, आगे पूछ लेते हैं जो सिंपल प्रेडिकेट बताए इसमें क्या है, क्या बताना है आपको सिंपल प्रेडिकेट क्या है, तो ये जो हमारा हैज वॉच्ड जी, अब ये दो वर्ड हो गए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब मिला हुआ है, ठीक है, ये दोनों के दोनों मिला के क्या कहलाएंगे सिंपल प्रेडिकेट कहलाएंगे हम, इसलिए लिखा है मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये वर्ब फ्रेज, तो ये कहलाएगा वर्ब फ्रेज हमारा, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे अभी एग्जाम्पल आगे लिखेंगे, जैसे हैज बीन हैव बीन के साथ भी वर्ब की फर्स्ट ओवर आएंगी है टेंसेस के अंदर होता है, तो तीन वर्ड भी हो जाते हैं कभी कभार, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको भी क्या कहते हैं सिंपल प्रेडिकेट बोलेंगे, एग्जाम्पल भी देंगे आपको, तो आपके समझ में आ गया सिंपल प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट मेन वर्ब होता है, जो काम हो रहा है या हो चुका या होगा, वो वर्ब जो है जो बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया क्या कर रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब फ्रेज हो सकता है, दो तीन वर्ड हो सकते हैं, किस तरह मैंने आपको बताया कि हेल्प वर्ब के साथ जो मेन जो वर्ब है वो है, ठीक है। अभी जो आगे दिस मूवी है ये सिंपल प्रेडिकेट में काउंट नहीं होगी, हाँ पूरे को आप कह सकते हैं कि हैज से लेके यहां तक हमारा ये प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट नंबर टू पर आते हैं हम, कंपाउंड प्रेडिकेट, क्या लिखा हुआ कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस हमने सुने, तो दो सेंटेंस हम आपस दो सेंटेंस होते हैं दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट अलग जो हमारे वर्ब होते हैं, खैर वो बात की बात है। हम कंपाउंड प्रेडिकेट, जब सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसी करके लिखा है यानी कि काम करने वाला डूअर, एक से ज्यादा काम करे यानी दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं, ठीक है, काम एक सेंटेंस में हो तो ये काम एक्शंस जो ये काम है जो एक्शंस है जो कर रहा है जो परफॉर्म कर रहा है वो एक्शंस कंपाउंड प्रेडिकेट्स कहलाएंगे। सिंपल सी बात हो गई, यानी कि एक ही सब्जेक्ट काम करने वाला सब्जेक्ट एक है,
अब वो जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, वो दो काम है, तीन काम है, चार काम है, मिसाल देखिए आप, ही विल कम टुमोरो, वो कल आएगा एंड मीट यू और आपसे मिलेगा। अब दो काम करेगा, वो आएगा और मिलेगा। तो अब यहां पे हम देखेंगे, हम आपसे कोई पूछे कि इसमें कंपाउंड प्रेडिकेट्स कौन सा है, ठीक है, ये कौन सा प्रेडिकेट पूछे, ये कौन सा प्रेडिकेट है। अभी तो मालूम था कि प्रेडिकेट है, ये यहां से विल से लेके यू तक प्रेडिकेट कहलाएगा, सबको मालूम, ठीक है, प्रेडिकेट। अब ये कौन सा प्रेडिकेट है, ये एक ही करता दो काम कर रहा है, तो ये हमारा विल कम और ये मीट, ये दोनों कहलाएंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। जी हाँ, कि एक ही करता दो काम कर रहा है, ये भी कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा, और ये अब आपका जो विल कम है ये भी हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड प्रेडिकेट दोनों मिलकर, ठीक है। आगे देखें, राज केम ऑन स्टेज, कल की बात है, राज स्टेज पर आया, ठीक है, एंड डांस, और नाचने लगा, नाचा उसने, खूब नाचा, जो भी है। सेंटेंस तो मैं और भी बना सकता हूं, लेकिन अभी समझाना है आपको, देखिए, तो ये केम और ये डांस्ड, ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, ये कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएंगे। जी हाँ, ये दो जो वर्ब हैं ये कहलाएंगे कंपाउंड प्रेडिकेट, पूरा सेंटेंस कंपाउंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी का जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो पूरा हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट नहीं कहलाएगा, ना ही सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा, क्योंकि ये दो वर्ब हैं, दो वर्ब, अब तीन भी हो सकते हैं। राज केम ऑन स्टेज, मैंने कॉमा लगा दिया, टॉक टू द स्टूडेंट्स, बच्चों से बात करी, एंड डांस्ड, और नाचा, तो फिर केम, टॉक्ड और डांस, तीन वर्ब होगा, भी ये तीनों कंपाउंड प्रेडिकेट्स कहलाएंगे। अभी इसका एग्जांपल और एक्सप्लेन करेंगे आगे, अभी आप ये समझ लीजिए, कंपाउंड प्रेडिकेट्स समझ में आ गया आपके, जब एक ही सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा काम जो करता है तो वो हमारे कंपाउंड प्रेडिकेट्स कहलाते हैं, ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स भी आप उसे कह सकते हैं। देखिए अब आगे नंबर थ्री, कंप्लीट प्रेडिकेट, क्या है कंप्लीट प्रेडिकेट, ये क्या होता है, ये वर्ब से शुरू होता है, सभी वर्ब से शुरू होते हैं उसे तो, ठीक है, और बाकी सारी डिटेल जो बताती है कि क्या हो रहा है, मतलब समझ लिया आप, अभी समझ में एकदम नहीं आएगा। कंप्लीट प्रेडिकेट मतलब जो आपका प्रेडिकेट में जो वर्ब से स्टार्ट है सेंटेंस, एक तो वो वर्ब, उससे लेके आगे की बाकी सारी डिटेल्स जो बता रही है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है, और उसको पूरा मॉडिफाई करा जा रहा है, जो बाकी के जो मॉडिफायर वर्ड्स हैं वो भी इसमें प्लस करे जाएंगे, तो पूरा कराएगा कंप्लीट प्रेडिकेट। देखिए मैंने लिखा वर्ब या वर्ब प्लस, प्लस कर दो ऑल द वर्ड्स, सारे वर्ड्स प्लस कर दो आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद के, इजी हो गया, इजी हो गया ना, कि वर्ब या वर्ब प्लस और उसमें क्या प्लस करते हैं, सारे वर्ड प्लस करते हैं आफ्टर द वर्ब के बाद के, या करके मैंने उसको छोटा कर दिया, या वर्ब वर्ब के साथ सारे मॉडिफायर वर्ड्स, और शॉर्ट हो गया ना, कि या वर्ब वर्ब के साथ वर्ब प्लस सारे मॉडिफायर वर्ड्स, क्या कहलाएंगे वो, कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें भी एक लिखा है, एक दो लिखे हैं, देखिए, श्याम इज प्लेइंग अ नाइस गेम, शाम क्या कर रहा है, एक अच्छा गेम खेल रहा है। अब आपने देखा इसमें शाम काम कर रहा है, तो ये बाकी सारा का सारा आपका ये कंप्लीट प्रेडिकेट कहलाएगा, ये इस आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ वर्ब आ गया, अब ये फ्रेज वर्ब हो गया, ठीक है। तो इस प्लेइंग अ नाइस गेम, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कंप्लीट प्रेडिकेट। अच्छा, कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर ही सिंपल प्रेडिकेट होता है। अगर मैं कहूं इस प्लेइंग सिंपल प्रेडिकेट, मैं कहूं इस प्लेइंग अ नाइस गेम, कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है ना। अब कंपाउंड तो है नहीं, दो काम तो हो नहीं रहा है यहां पे, एक ही काम हो रहा है। माई ब्रदर कैन नॉट फेस दीज प्रॉब्लम्स, मैंने मॉडल्स लिखा, मॉडल्स, ठीक है, मेरा भाई इन परेशानियों का सामना नहीं कर सकता, कैन नॉट फेस दीज प्रॉब्लम्स। देखिए, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, आवर मेन पर्पज इज टू एक्सप्लेन यू विद ईजी मैथड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल, ताकि आप अच्छी तरह आप समझ सकें, एंड यू कैन आंसर, ठीक है, ताकि आपके समझ में आए, आप आराम से इसका जवाब दे सकें। तो माय ब्रदर कैन नॉट फेस दिस प्रॉब्लम्स, मेरा भाई परेशानी का सामना नहीं कर सकता। तो अब ये जो काम तो आप सबको पता है माय ब्रदर कर रहा है, अब ये जो ना कैन नॉट फेस दिस प्रॉब्लम, ये कहलाएगा कंप्लीट प्रेडिकेट। हाँ, इसमें सिंपल प्रेडिकेट भी है, जैसे कि आप ये आपका जो कैन नॉट फेस जो ना, आप इसको कह सकते हैं इसको कि सिंपल प्रेडिकेट, यहाँ फेस फेस जो है चेहरे के लिए नहीं आया, यहाँ पे फेस सामना करने के लिए आया, फेस वर्ब भी होता है। तो हमने ये सीखा कि प्रेडिकेट जो है जो सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करता है उसे प्रेडिकेट बोलते हैं। तो उसकी तीन शक्लें हैं,
सिंपल प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट, ये सब लिखा हुआ आपके सामने। आप इसको अच्छी तरह अपने कॉपी पर नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आराम से इसको पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल एक मेन वर्ब जो होता है, कीवर्ड जो हमारा होता है, ठीक है, फ्रेज वर्ब भी हो सकता है, ये हेल्प वर्ब के साथ आता है। कंपाउंड प्रेडिकेट एक ही सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा जब काम होते हैं, वो जो काम हमारे कंपाउंड प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट जो वर्ड से लेके उसके आगे जब मॉडिफायर सारे वर्ड सब मिलकर कंप्लीट प्रेडिकेट, सिंपल डेफिनेशन ये आपको लिख के समझाई भी दी है। अब इसके मैं एग्जांपल और एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। लुक एट द एग्जांपल, सोचो बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं एक्सरसाइज के तौर पर ताकि अच्छी तरीके से पहचान हो सके प्रेडिकेट की, कि सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है और कंपाउंड प्रेडिकेट और कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है। सो सेंटेंस हम पढ़ेंगे और अच्छी तरह उसको समझेंगे और पहचान करेंगे। मैंने वर्ब्स के नीचे यानी कि प्रेडिकेट के नीचे एक तरीके से प्रेडिकेट नीचे मैंने अंडरलाइन करा है ये रेड से, तो आप सेंटेंस को देखिए और पहचानिए। देखिए आंसर भी सामने लिख दिए हैं, द बेबी क्राइज, अंडरलाइन है क्राइज के नीचे, ठीक है। सिंपल वर्ब है हमारा, ये सब्जेक्ट है तो ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट कौन सा है ये? यस सिंपल प्रेडिकेट, क्योंकि सिंपल प्रेडिकेट एक वर्ब होता है, उसके साथ कोई भी मॉडिफाइड वर्ड होता नहीं, या तो हर वर्ड है ही नहीं, सेंटेंस ही छोटा है। मैंने आपसे कहा भी था कि कभी कभार एक वर्ड जो है वो सब्जेक्ट होगा और एक वर्ड जो हमारा क्या कहते हैं वो प्रेडिकेट होगा। तो द बेबी क्राइज, तो क्राइज हमारा क्या है? सिंपल प्रेडिकेट, ये द बेबी हमारा सब्जेक्ट है। दे हैव कम इन द रूम, वे कमरे में आ गए हैं, तो यहाँ अंडरलाइन हमने करा है वो हैव और कम करा है, तो हैव कम ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा वर्ब है, तो ये दोनों मिलकर हमारा क्या आएंगे? सिंपल प्रेडिकेट। मैंने आपसे कहा था कि सिंपल प्रेडिकेट एक वर्ड भी होता है और कभी दो वर्ड भी आते हैं, कभी तीन भी जाते हैं, मतलब तीन जब हो जाएंगे फ्रेश वर्ब। मैंने आपसे कहा था जैसे कि दे हैव बीन कमिंग होगा तो हैव बीन कमिंग जो है सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हैव कम, यहाँ दो वर्ड है, दो वर्ड है लेकिन ये हमारा हेल्पिंग वर्ब उसके साथ लग गया, फ्रेश वर्ब हो गया हमारा ये, तो ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा। वी कैन टीच दिस चैप्टर, यहाँ कैन से लेकर चैप्टर तक अंडरलाइन कर रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा कहलाएगा यस, ये हमारा कहलाएगा कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है। आवर टीम इज वर्किंग हार्ड, हमारी टीम कड़ी मेहनत कर रही है, तो इससे लेकर हार्ड लास्ट तक हमारा जो क्या है ये अंडरलाइन है, ये हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट कहलाएगा। अगर आप कहें कि सर हम इस पर सिंपल प्रेडिकेट निकाले, क्योंकि कंप्लीट प्रेडिकेट के अंदर ही सिंपल प्रेडिकेट होता है, तो इज और वर्किंग इन दोनों को हम बोलेंगे सिंपल प्रेडिकेट, हार्ड को हटा देंगे, ठीक है। कंपाउंड प्रेडिकेट ये लिखा है मैंने, तो शी कॉल्ड एंड टॉक टू मी, तो कंपाउंड प्रेडिकेट क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस जो है ना ये शी कॉल्ड एंड टॉक टू मी, यहाँ कॉल्ड और टॉक्ड यानी कि एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में दो काम कर रहा है, तो ये कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा, यानी कि उसने पुकारा बुलाया एंड और उससे बात भी करी, तो कॉल्ड और टॉक्ड ये क्या कहलाएंगे हमारे? यस कंपाउंड प्रेडिकेट। द यंग मैन कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि द यंग मैन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सका, तो कुड से लेकर हमारा प्रॉब्लम तक पूरा अंडरलाइन है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा? यस कंप्लीट प्रेडिकेट। सेंटेंस देखें, आबिद एंड इमरान यहाँ दो काम करने वाले हैं, उससे हमें मतलब नहीं है कितने भी हों, ये हमारे सब्जेक्ट है। लिव इन दुबई, अंडरलाइन लिव के अंदर है वर्ब के नीचे, तो ये हमारा लिव क्या कहलाएगा? सिंपल प्रेडिकेट, ठीक है। द मैन विद ग्रे हेयर नोज मी, अच्छा खासा लंबा सेंटेंस लिखा मैंने ये कि द मैन विद ग्रे हेयर, यानी ये पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा, ये आपको पहले पढ़ाया था एक बार बता दूं, ये कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। तो द मैन विद ग्रे हेयर, या वो आदमी जो ग्रे हेयर वाला क्या है, नोज मी, हम प्रेडिकेट पढ़ रहे हैं तो नोज के नीचे अंडरलाइन है, नोज के नीचे, तो ये नोज हमारा कहलाएगा सिंपल प्रेडिकेट। द एलिफेंट हैज, सॉरी द एलिफेंट हैज टू टस्क, द एलिफेंट, ठीक है ना, वॉवल से स्टार्ट, वॉवल का साउंड भी है, यानी कि हाथी के जो है दो दांत होते हैं, टस्क जो होते हैं हाथी के दांत, तो ये हैज के नीचे अंडरलाइन है, तो ये हमारा कहलाएगा सिंपल प्रेडिकेट, ये हमारा यहाँ वर्ब है, ठीक है। दीज कैटल ग्रेज द ग्रास इन द फील्ड, यानी कि जो पशु हैं, पशु कैटल वर्ड यूज करा है, कैटल जो है वो प्लुरल इस्तेमाल होता है हमारा, कैटल ज्यादा पशुओं के लिए आता है। दीज कैटल, वो चढ़ते हैं घास, घास कहाँ पे? फील्ड के अंदर, तो ग्रेज से लेकर फील्ड तक अंडरलाइन है, कंप्लीट प्रेडिकेट। राज एंड यू, अब यहाँ पे दो लोग हो गए उससे मतलब नहीं है, ओपन दिस बॉक्स, ये बॉक्स खोलन, यानी कि राज ने और आप, राज एंड यू, राज और आपने बॉक्स खोला, एंड स्टोल मनी और पैसा चुरा लिया, तो एक ओपन के नीचे अंडरलाइन है ये वर्ब है, एक ये स्टोल के नीचे अंडरलाइन है ये हमारा वर्ब है, तो ये दोनों वर्ड जो हमारे क्या कहलाएंगे? कंपाउंड प्रेडिकेट, जी कंपाउंड प्रेडिकेट बोलेंगे इसको। आगे देखिए, यहाँ लिखा मेरे ऊपर प्रेडिकेट्स, जगह थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने ऐसी सिंपल लिख दिया, आगे लिखो ऊपर हेडिंग डाल दी प्रेडिकेट्स। द लेडी इन द वाइट ड्रेस कैन डांस वेरी वेल,
यानी कि जो लेडी है जो व्हाइट ड्रेस के अंदर वो अच्छा डांस कर सकती है। तो कैन डांस क्रिएशन अंडरलाइन है, कौन सा प्रेडिकेट है? यस, सिंपल प्रेडिकेट कराएगा, ठीक है। द टॉलेस्ट बॉय ऑफ दिस ग्रुप इज सपोर्टिंग मी, तो इज सपोर्टिंग मी ये अंडरलाइन है, ये पूरा हमारा क्या कराएगा, मी तक कंप्लीट प्रेडिकेट, ये लिखा हुआ कंप्लीट। ऑल द पीपल ऑफ दिस एरिया विल कम एंड ज्वाइन माई ग्रुप, यानी इस एरिया के सारे लोग विल कम आएंगे और मेरे को ज्वाइन कर लेंगे। तो विल कम और ज्वाइन के नीचे अंडरलाइन है, ये वर्ब के नीचे जो काम यहाँ पर हो रहा है, विल कम एंड ज्वाइन, जब एक सेंटेंस में यानी कि एक सब्जेक्ट दो या दो से ज्यादा काम करे तो वो हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट होता है, तो हमारा ये कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएंगे कंपाउंड। मारिया नाम लिखा है, देखिए यहाँ पर तीन काम लिखे मैंने, मारिया रेन यानी कि मारिया दौड़ी, रन की सेकंड फॉर्म, जंप कूदी, एंड रॉड यानी कि सवारी करना, और इन द ग्राउंड ग्राउंड के अंदर तीन काम है, रेन जंप रोड, तो क्या है कंपाउंड प्रेडिकेट। दे प्लेड लूडो, कुछ भी गेम लिख सकते हैं आप, लूडो खेला और वॉच सीरियस और सीरियस खेले टिल होल नाइट यानी कि सारी रात। तो अब ये क्या है यहाँ पर, खैर अंडरलाइन किस पर है, प्लेट पे और वॉच पे, दो काम हुए एक सेंटेंस के अंदर, कंपाउंड प्रेडिकेट। माय फादर इज विद यू ऑन दिस मैटर, मेरे वाले सब आपके साथ है इस मैटर में, इस मामले में, तो अंडरलाइन इसके ऊपर है, सिंपल प्रेडिकेट। द लाइन लिव्स इन डैन, लाइन जो है वो गुफा में रहता है, लिव्स के नीचे अंडरलाइन है, सिंपल प्रेडिकेट, ठीक है। एवरीवन शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, The elders, elders should respect the elders. हर किसी को क्या करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, the elders. तो should से लेकर elders का underline है, complete predicate. You need to work hard. आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तो need से लेकर work hard तक, ये need to हमारा मॉडल वर्ब है, तो need से लेकर work hard तक क्या हमारा underline है, क्या कहलाएगा, complete. अगर आप सोचोगे खाली need to work होता तो क्या होता, ऐसे सेंटेंस में नीचे बना भी दिया कि she used to make some new dishes. यानी कि वो बनाती थी, उसको आदत थी बनाने की नई डिशेज की, तो यूज टू हमारा मॉडल वर्ब है, साथ में वर्ब क्रिएशन अंडरलाइन है, जैसे कैन होता है यूज टू होता है, जैसे शुड होता है जैसे यूज टू होगा हमारा, और टू नीड टू जो भी हमारे मॉडल वर्ब है, तो यूज टू और मेक ये दोनों एक साथ है, लेकिन हमारे क्या कहलाएंगे, सिंपल प्रेडिकेट, क्योंकि सिंपल प्रेडिकेट एक वर्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ड लगा हुआ है फ्रेज वर्ब कराएगा। आई थिंक आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरह बोर्ड पर देख लें, या आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ आपके सामने, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस करें, और संडे जो आप बनाते हैं या आपके साथ लिखे हुए होते हैं आप देखें, चेक करें, उसमें आप सिलेक्ट करें, चूज करें उसके अंदर कि कौन सा प्रेडिकेट है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस तो आप भी करेंगे, मेरा मकसद आपको समझाना है, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे वीडियोज़ को देखते रहें, और अगर आप अभी तक न्यू है हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें। दैन मीट वेरी सून इन नेक्स्ट क्लिप, थैंक्स फॉर वॉचिंग।